अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं गिनिया फॉल के एग के साथ। ये देखिए कितना छोटा सा एग है और ये गिनिया फॉल नामक एक हैन है, मुर्गी है। ये देखिए मैंने इसके लिए पिक्स डाल दी ताकि आपने किसी ने देखी हो और नहीं देखी हो तो वो भी देख ले। तो ये उसका जो अंडा है, ये हमारे भाई के फार्म हाउस है, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कभी। तो ये वैसे मेरे पापा लेकर आए थे, तो ये वो मुर्गी का ये अंडा है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ख़ासकर रिकमेंडेड है बेबीज़ के लिए, जो इन्फेंट होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए रहता है। और ये देखिए जुहान कितना परेशान कर रहे हैं, इन्हें चाहिए मखाने, इनका मालूम है कहाँ रखें, तो बस इज्जत कर रहे हैं कि हमें मखाने चाहिए। तो बस ये जब तक लेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं। तो बस मैं इनको ये दे रही हूँ और साथ ही ये ज़ायरा बैठी हुई हैं। और बस जैसे ही मेरे हाथ से हटा तो ये फ़ौरन शुरू हो गई कि मामा मैं करती हूँ। तो ये देखिए ये साथ में बैठी हुई हैं काउंटर टॉप पे और ये लगी हुई हैं साथ में। तो मैं आपको बता रही थी ये प्रोटीन, फैट, सोडियम, कैल्शियम, तो इन सब चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब आम जो अंडा होता है, एग होता है, उसके मुकाबले में इसमें ज़्यादा होता है। तो मैं इसका फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, आई मीन टू से कोशिश कर रही हूँ कि जुहान खा लें। अब देखते हैं, जुहान आज मैं फ़र्स्ट टाइम खिला रही हूँ इनको ये बना के, तो अब ये खाते हैं कि नहीं। बाकी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। तो ये अम्मी ने हमारी दिए थे मुझे, तो बस मैंने कहा आज लाइए इसका, यही ट्राई करते हैं कुछ। तो जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना शूट किया जाए आपके लिए, ताकि आपके साथ शेयर करते हैं कैसे बनाया ये मैंने। और ख़ासकर मुझे जो ना स्पेशल था वो ये था दिखाना कि मुझे ये, मतलब मैं खुद सरप्राइज थी। बहुत छोटा सा चुनू मुनू सा अंडा था, तो बड़ा मतलब क्यूट सा लग रहा था, बहुत छोटा सा दिख रहा था। वो आपको शायद बड़ा दिख रहा हो लेकिन बहुत छोटा सा था। तो वो मैं क्या दिखाती हूँ आपको, तो बस मैं ये बना रही हूँ जुहान के लिए और साथ ही मेरे बाकी काम भी उसके साथ चल रहे हैं। आजकल व्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी हो रहा है, रमज़ान एंडिंग पर है और मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपको वो भी जल्दी इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, बाकी बच्चों के लिए लिया है मैंने, क्योंकि पापा की फ़र्स्ट ईद है तो मैं इस तो है सेलिब्रेट नहीं करने के मूड में हूँ। तो बाकी जो बच्चों के लिए लिया बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंच टोस्ट रेडी हो चुका है, खाने की क्लिप मैं बताऊंगी नहीं आपको। बाकी ये कुछ नया हमारे साथ ट्रेजेडी हुई कि हमारा जो मिल्क था आज, वो हमारा जो मिल्क था वो ख़राब हो गया, फट गया, यही कहते हैं ना। तो मैं उसको बना रही हूँ पनीर। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ पनीर। तो ये जो मतलब फट गया था, दूध ख़राब हो गया था पूरा, तो ये उसको मैंने उसको छान लिया और एक कपड़े में उसको अच्छे से कस के बांध के और इसे थोड़ा सा वेट ऊपर रख देते हैं हम, ताकि ये जो एक्स्ट्रा पानी है उसका वो निकल जाए। और उसको रखा नहीं दे दिया करीबन 5-6 घंटे के लिए, मैंने उसको छोड़ दिया था दोपहर से शाम तक के लिए। और फिर मैं इफ्तार के टाइम पे एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की, बाकी तो मैंने नहीं किया, बस ये मैंने थोड़ा सा शूट किया आपके लिए कि मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़े। यस, ब्रेड पकौड़े, और इसकी स्टफिंग मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया था आलू का भुर्ता, जो एज अ स्टफिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वही उसकी स्टफिंग मैं इसमें फिल करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा चीज़ जो मैंने उसमें ग्रेट किया हुआ है, किसके रखा हुआ है, तो वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा वो भी इसमें लगाऊँगी, ऐड करूँगी। तो ये मैंने उसके अंदर ऐसे लगा दिया, बड़ा अच्छा लगता है चीज़ अंदर कुछ, किसी भी अपन कुछ बनाओ तो उसमें डालो, तो ये मैंने उसके अंदर चीज़ मैंने लगा दिया था। तो ये बाकी के जो हैं बस इसी तरीके से सारे के मैंने रेडी कर लिए थे, ये देखिए। और बस जो मैंने बैटर बनाया वो था पहले से बेसन का, तो उसमें मैं इसको डिप करके मैंने इसको फ्राई कर लिया, बहुत ही यम्मी से बने थे, बहुत अच्छे से लगे थे। और मेरा जो एक नेक्स्ट चैनल पर मैं इसके सारी कोशिश में करती हूँ, सारी जितनी भी हो सकें तो मैं रेसिपीज़ जो हैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर किसी को पसंद आए, बाय चांस ब्लॉग नहीं देखना चाहता हो, थोड़ा सा लग रहा हो कि नहीं हमें तो डायरेक्ट रेसिपी चाहिए, तो वो वहाँ पे जाके वहाँ से देख सकता है। तो कुक लाइक शहला, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ना। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए,
जो मेरे इस चैनल पे हैं और आज नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है अगर, तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल भी और मेरा वो चैनल भी। और जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी सास ने ये क्या किया, तो मैं आपको बता रही थी कि ये देखिए मेरी सास ने ये लेस लगा के दी है मुझे टाक के। मैंने ये कुर्ते सी के रखे थे, ये कुर्ते मैंने सिए हैं अपने, तो ये लेस लगाना मुझे थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ा सा नहीं, मुझे काफ़ी मतलब मुसीबत का काम लगता है ऐसे बताऊँ तो। ये मैंने जो है कुर्ते खुद सिए हुए हैं, मैं खुद सिलाई भी कर लेती हूँ एक्चुअली, तो ये लेस लेकिन उन्होंने लगाई है, तो मैं मतलब इतनी खुश हुई, उन्होंने इतने अच्छे से लगा दी, खूब दुआएं दी कि अल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सास है मेरी, अल्लाह पाक अच्छा रखे उनको, खूब दुआएं दी, खूब दिल से दुआएं निकली रोज़े में कि मेरे पहनने में आ गए ये कपड़े, वरना मैं रखे हुए थे इतने टाइम से, मैं पहन नहीं पा रही थी। तो मैं आपको बस यही बता रही थी कि देखिए मेरी सासू माँ ने ये क्या किया और कितना अच्छा काम किया, अल्लाह पाक उन्हें अच्छा रखे। और मेरे सब कुर्ते जो मैंने सी के रखे हुए थे, तो लेस भी मैं ला के रखी हुई थी काफ़ी टाइम से ला के मैंने, लेकिन वो लगा नहीं पा रही थी। मैं सी तो लेती हूँ लेकिन मुझे हाथ से जो स्टिचिंग का काम होता है वो नहीं होता। तो ये देखिए मेरे ये कुर्ते हैं सारे, थोड़े मैंने अपने हिसाब से शूट कर लिए हैं, ज़ायरा अपने ड्रेस दिखा रही है कि मेरा भी दिखाओ, मैं कहीं अलग से दिखाऊंगी। और एक ये तो मैंने सब पे निशान वगैरह उनको लगा के पिनअप करके इजी थोड़ा सा उनका करके मैंने उनको दे दिए थे, तो उन्होंने माशाल्लाह से पूरे बहुत अच्छे से कर दिए हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत बहुत अच्छा रखे। तो बस खूब दिल से दुआएं ही निकल रही थी कि बहुत अच्छा काम उन्होंने कर दिया है, बहुत खुशी खुशी। और देखिए आप बताइए कौन से अच्छे लगे आपको कुर्ते, ये हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कुर्ता, उन्हें बहुत पसंद आया था कि ये, उसकी लेस वगैरह भी बहुत उनको पसंद आई कि ये बहुत, और अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा ये। तो ये पहने नहीं है मैंने, इंशाल्लाह पहनूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कभी। तो अब ये रेडी हुए हैं अभी, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको बताती हूँ, आप भी बताइए कमेंट्स करके आपको कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगे और कैसे लगे मेरे कपड़े। और ये मैं बना रही थी पनीर जो कि मैंने बना के रखा हुआ था, तो ये जो फ्रोज़न टमाटर था वो मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था, और प्याज वगैरह भी उसमें डाल दी थी ताकि ये जल्दी से हो जाए, बड़ा इजी होता है ये माइक्रोवेव, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी आसानी हो जाती है बहुत सी चीज़ें, जो आपकी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं ना उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी आसानी से आप उसको डिफ्रॉस्ट कर सकते हो, और सारा मतलब देखिए कितनी जल्दी से फटाक से मिनट्स ये कहेंगे इतना मिनट्स आपका जो काम है वो हो जाता है, जहाँ आपको घंटा भर रुकने की ज़रूरत होती है। तो बस ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, ये प्याज मेरी फ्रोज़न की हुई थी, फ्राई करके रखी थी, तो साथ ही मैंने व्लॉग भी शूट कर लिया, मैं दिखाती हूँ मैं कैसे क्या बना रही हूँ। और बाकी इसकी भी रेसिपी हुआ तो इंशाल्लाह मैं अलग से शेयर कर दूँगी, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करिए कि कैसी बनी, कैसी बनाई आपने, बनाई कि नहीं बनाई, और बनाई तो कैसी लगी आपको, आपके फैमिली को, तो ये सब का आप कमेंट्स में बताया करिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। और जब भी आप जो भी नया मेरा फ्रेंड जो भी न्यू ज्वाइन करता है मुझे देखता है, तो वो लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हैं, देखते सब हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा मतलब ज्वाइन करिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए काफ़िला जो हमारा है, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस व्लॉग्स हम साथ में शेयर करते रहें। और ये देखिए कितना बढ़िया सा वो पनीर ना, इतना सॉफ्ट ही बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा, मतलब बाज़ार का मार्केट का जो होता है ना उससे भी काफ़ी अच्छा बना था ये पनीर। और ये जो है ये भैंस का दूध था तो ये पैकेट वाला नहीं था, जोहान का पैकेट का अलग आता है, बाकी ये चाय वगैरह के लिए ये सब अलग आता है, और बेटियों के लिए भी यही हो जाता है। तो ये वो मिल्क था, तो सडनली गर्मी तेज़ पड़ रही है, गर्मी भी तो किस कदर की तेज़ पड़ रही है अल्लाह के, बस क्या बताएं, कंट्रोल के बाहर हो रही है, बस किसी तरीके से बर्दाश्त किए जा रहे हैं सारे लोग। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरा पनीर कंटिन्यू बन रहा था, और मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ। और शॉपिंग में कब, बच्चों की शॉपिंग तो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है, थोड़ा बहुत ही कुछ बचा हुआ है, तो मेहंदी वगैरह नहीं आई है, लोहिता को मेहंदी का बड़ा शौक़ है तो मेहंदी की डिमांड हो रही है,
तो बाकी तो सारी चीज़ें बच्चों की जो आनी थी वो सब आ गई हैं। तो इंशाल्लाह व्लॉग बस लेट हो रहे हैं, सब एडिटिंग में पड़े हैं, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं करती हूँ इंशाल्लाह जल्दी से, कोशिश यही है कि ईद से पहले तो सब कुछ हो जाए। और ये मैंने बटर डाला था इसमें, और इसमें मैंने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा मतलब बना था, बहुत पसंद आया सबको, बहुत अच्छे से सबने शौक से खाया था। देखिए अब से कलर वगैरह कितना अच्छा सा लग रहा है ये। देखिए गार्निशिंग मैंने कर दी है और बढ़िया सा कितना खूबसूरत सा लग रहा है हमारा पनीर, और बहुत यम्मी सा लग रहा था। और साथ ही देखिए जुहान की प्यारी प्यारी सी शरारतें टेबल पे कहाँ चढ़े हुए हैं, और वहाँ रखी हुई है रेत, रेत में ये प्लांट लगाया हुआ है मैंने, और ये बस किस तरीके से उसमें हाथ डाल के उससे खेल रहे हैं रेत से। ये कुछ भी जगह पे रहने नहीं देते हैं, कुछ भी करने नहीं देते हैं, बस हर चीज़ यहाँ से वहाँ, मतलब अभी छोटे हैं बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, कुछ नॉटी से बच्चे होते हैं। ये देखिए इसमें से रेत निकाल निकाल के ये फेंक रहे थे, तो मैंने बनाते बनाते शूट किया, मैंने गिलाई है इनकी शरारती भी आपको दिखाएं कि हमारा देखिए कैसा मैसी सा हो रहा है पूरा घर। ये देखिए बच्चों ने कितना टॉयज़ और सब चीज़ें किया हुआ है, और लोएज़ा बराबर चिल्ला रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं, कुछ लोएज़ा भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी हैं तो ये नहीं करेंगी। तो ये बाकी हमारे जुहान जो हैं इनको बिल्कुल साफ़ सफ़ाई पसंद नहीं है ज़्यादा, बस कहता है कि सब चीज़ें निकालो फेंक दो। ये देखिए चेयर हटाई है और फिर वापस से चढ़ गए हैं, तो अब दादी ने ऊपर लटका दी चेयर के, नहीं ऊपर लटका दो, अब ये ऊपर ही झूला झूल रहे हैं। चलिए बस ये बच्चों की मस्ती शरारतें तो चलती रहेंगी। आपको ब्लॉग कैसा लगा बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।